पिछले वीडियो में मैंने क्वार्टरली नंबर से जुड़ी हुई कंपनी आपके लिए लेके आई है। यहाँ पे इस कंपनी में क्वार्टरली रिजल्ट का अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते यहाँ स्टॉक आपके फोकस में रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली नंबर के साथ साथ यहाँ पे हमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो NJ1 एप्लीकेशन पे आपको उस स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट में लगाना है। मैंने अपने वॉचलिस्ट में उस स्टॉक को लगा के रखा है। मैं वॉचलिस्ट पे आता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम है इलेकॉन। यह इलेकॉन कंपनी जो है, यह एक इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है और इस समय जो इसका शेयर प्राइस चल रहा है, यह 402 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने इस न्यूज़ के चलते यहाँ पे 0.25% से ऊपर की तेज़ी हमें दिखाई है। हम स्टॉक के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट का एनालाइज कर लेते हैं कि चार्ट इसका किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही स्टॉक में पॉजिटिव खबर आई है कि इसमें रिजल्ट और डिविडेंड का अनाउंसमेंट 25 अप्रैल को आने वाला है, तो उसके चलते स्टॉक में हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूवमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक जो है ये 385 का सपोर्ट लेके यहाँ पे अच्छा खासा कामकाज करता है वो नजर आ रहा है। अगर यही सपोर्ट कंटिन्यू रहता है तो स्टॉक में हमें यहाँ से आने वाले समय में 410 से लेके 430 तक के अपसाइड के हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पहले का सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 385-366 का यहाँ पे सपोर्ट भी हमें देखना चाहिए। MACD में भी अगर हम देखें तो MACD में भी यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हमें देखने को मिला है, जिसके चलते स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस स्टॉक को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से बाय बटन देखने को मिलेंगी। इससे पहले हम स्टॉक का जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको हम देख लेते हैं कि कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग कर रही है, कंपनी का मार्केट कैपिटल क्या है। तो कंपनी जो है यह इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के सेक्टर से बिलोंग करती है। 4,459 करोड़ का मार्केट कैपिटल रखती है। वन ईयर में इसमें एक धमाकेदार रिटर्न दिया है, 124% से ऊपर के इसने रिटर्न दिया है और सेक्टर में 9% से ऊपर के पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे फंडामेंटल रेशियो पे नज़र डालते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इसमें कंपनी जो है 0.35% की डिविडेंड यील्ड भी रखती है। और अगर मान लो कि इसमें अच्छे खासा रिजल्ट आ गया तो यह स्टॉक तो और ज़्यादा स्पीड दिखा सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नज़र डालते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि सितंबर दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया है। और साथ ही आप यहाँ पे FIIs, म्यूचुअल फंड, अदर DIIs और नॉन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग में आप यहाँ पे चेंजेस देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ तो यहाँ बाय ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ जैसे मैं 10 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे जो मार्जिन लगेगा करंट प्राइस के साथ ये 4,222 का लगेगा। और यहाँ बाय ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और अपने ऑर्डर को प्लेस कंफर्म कर दूँगा। अभी मार्केट बंद होने के कारण मेरा ऑर्डर जो है ये आफ्टर मार्केट लगेगा। यस ऑप्शन पे प्लेस करूँगा, मैं अपने ऑर्डर को यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा और यह प्राइस मार्केट में आएगा तो मुझे यहाँ ऑर्डर जो है अपनी पोजिशन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इतना ईजी इतना आसान हो जाता है NJ1 एप्लीकेशन का यूज़ करना और यहाँ पे स्टॉक का एनालिसिस करना, चार्ट का ट्रेडिंग करना। साथ ही NJ1 का एक फीचर है इंस्टाट्रेड, जिसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप काम कर रहे हो तो आप सेम विंडो में सारा कुछ काम कर सकते हैं। अगर आपने अपना डिमेट अकाउंट NJ1 में ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपना डिमेट अकाउंट NJ1 में ओपन करें और यहाँ की सामने सर्विसेज का लाभ लें। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेटिव जानकारी पहुँचे और वहाँ भी स्टॉक मार्केट में अपने एजुकेशन को परफेक्ट कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।